आखिरकार पवन सिंह को एहसास हो ही गया कि पहले अगर वो किसी के लिए गाना गाते थे तो वो कोई और नहीं अक्षरा सिंह थी। जी हाँ, अभी हाल ही में एक स्टेज शो के दौरान पवन सिंह ने इस बात का खुलासा किया, या यूँ कह ले बातों बातों में दिल का हाल बयां किया कि उनके लाइफ में पहले कोई और था जिसके लिए वो गाना गाया करते थे और अब कोई और है जिसके लिए वो गाना गा रहे हैं। यानी कि पहले अक्षरा सिंह थी और अब ज्योति सिंह है। वैसे ये कई मर्तबा हो चुका है पवन सिंह के साथ, जब उनके दिल की बात जुबां तक आते आते रुक जाती है। वैसे यहाँ हम आपको ये भी बता दें कि पवन सिंह और ज्योति सिंह अब भले ही एक दूसरे को धीरे धीरे समझ रहे हों, लेकिन इनकी शादी में भी शुरुआत में कुछ गलत फहमियाँ तो थी ही। तभी तो पवन और अक्षरा के विवाद में एक ऑडियो सामने आया था, कॉल रिकॉर्डिंग सामने आई थी, जिसमें अक्षरा और ज्योति सिंह मिलकर पवन सिंह की जमकर बुराई कर रहे थे। वैसे इससे पता चलता है कि ज्योति सिंह पहले बिल्कुल नहीं चाह रही थी कि पवन सिंह के साथ उनकी शादी हो, लेकिन यहाँ पर धीरे धीरे ही सही, लेकिन ये लगता है कि अब पवन सिंह के साथ उनकी सारी गलत फहमियाँ दूर हो चुकी हैं और अब पवन सिंह को अपने लाइफ में वो जगह देने लगी है जो ये हर एक लड़की अपने जीवन साथी को देती है। क्योंकि आपने तो देखा ही होगा कि जब भी ज्योति सिंह मायके जाती हैं, उन्हें लेने के लिए पवन सिंह ही जाते हैं। उन बकायदा अब ये दोनों एक दूसरे के साथ टाइम एक्सपेंड भी करते हैं। आपने फिल्मी सेट पर और स्टेज शो पर भी ज्योति सिंह पवन सिंह के साथ नजर आ चुकी हैं। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।